डियर व्यूअर्स, देखिए कितने डेलीशियस चिकन बन रहे हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, बहुत ही स्वादिष्ट चिकन मेरी टाटा ने बनाया था। ये देखिए आलू भी दिया हुआ है। हालांकि फर्स्ट स्टेप से शुरू नहीं किया ये वीडियो। और ये देखिए भुजिया, पत्ता गोभी का भुजिया मेरे टाटा ने खाना बनाया था सहेली को इन्वाइट करके। ये पत्ता गोभी का भुजिया और डेलीशियस चिकन बनाया था और अंडा करी बनाया था। ये स्टार्टिंग में चिकन का जब स्टार्टिंग किया तो ऑनियन के साथ तो मसाला वगैरह दे के। ये देखिए जब तला था गरम तेल में, सरसों का तेल में जब तल रहा था पहले, टमाटो वगैरह दिया था, चिकन मसाला और ये आलू दिया था। ये आलू नहीं, ये टर्निप है, आलू भी था और टर्निप भी था। टर्निप का मीन्स है सलगम, सलगम और आलू दोनों ही दिया हुआ था। प्लीज सब्सक्राइब लिख कर भी दिया था, अभी वॉइस से भी बोल दिया हूँ। जो खाना बनाने के टाइम पे ज़्यादा मुँह से बक बक करने से क्या है, मुँह का वो ड्रॉपलेट वो चला जाता है, इसलिए खाना बनाने के टाइम पे ज़्यादा आवाज़ नहीं किया जाता। ये तो मुँह का ड्रॉपलेट, या तो मास्क पहन के बनाती हूँ खाना, कोई भी खाना। डॉक्टर भी मास्क ही पहन लेते हैं या गमछा से मुँह ढक लेते हैं। ये तो सालिन करके बना के बाद में ये वॉइस ओवर कर देती हूँ। नहीं भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने का बनने का साउंड तो आएंगे आएंगे। सो डिलीशियस, सो डिलीशियस चिकन टर्निपुर आलू, ये टमाटर भी सो डिलीशियस। आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट हुआ था, चावल ले लो रोटी ले लो और खाने में लग जाओ बहुत ही डिलीशियस हुआ था। ये वीडियो का थोड़ा सा क्या कहते हैं, पहले का थोड़ा पीछे हो गया, आगे का सेट में नो प्रॉब्लम, उसका एंडिंग देखना है कैसे बनाया। पहले का थोड़ा सा पीछे हो गया, आगे का दो मोबाइल से करा हुआ था ना, इसलिए ऐसा हो गया। एक्चुअली एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल पर भेज के, क्योंकि वो वाला मोबाइल पर स्पेस नहीं था, इसलिए थोड़ा पहले का ये हो गया। ये फूलगोभी का भी भुजिया ये बनाया था, कॉलीफ्लावर फूलगोभी का फ्राई, कॉलीफ्लावर का फ्राई भी बनाया हुआ था। फुले फुले आलू का ये अंडा उबल रहा है, ये अंडा उबल रहा है, देखिए आलू, ये अंडा करी के लिए आलू अंडा उबल रहा था। ये देखिए कढ़ाई में आलू अंडा उबल के इसका करी बनाया हुआ था। मैं सिर्फ थोड़ा सा फोटो ही कर दिया था, बनाया तो मेरा डाटा नहीं था। ये आलू अंडा का करी देखिए, वाह कितना स्वादिष्ट हुआ है, पूरा आलू अंडा दम, टमाटर भी था, मसाला भी दिया हुआ था। बहुत ओवर मसाला दे के कलरिंग होने से क्या होगा, अपना स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखना चाहिए, अपना पेट का, स्टमक का, लीवर का ख्याल रख के। ये खाने वाला टाइप करके बनाया था, बहुत ज़्यादा तेल बहुत ज़्यादा मसाला देने से क्या होगा, सिर्फ देखने में
वो खा के आपका पेट खराब हो जाएगा। ये तो जैसे घर में खाया जाता है ना, ये टाइप करके बनाया था और वीडियो भी इसी का रहा था। ये देखिए वाना ब्यूटीफुल और स्वादिष्ट देखने में लग रहा है ना, तो पेट का खराबी भी नहीं होगा कम मसाला देने से। ये देखिए फूल गोभी का फ्राई बनाया था आलू के साथ, पत्ता गोभी का भुजिया, चिकन या अंडा ये पार्टी के लिए। बीच बीच में इसे चलाना पड़ता है ना, अगर नहीं चलाओगे तो क्या होता है, कोई आलू पकेगा नहीं। इसे तो बॉईल करके लिया था, लेकिन बॉईल करने से भी थोड़ी सी टाइट रह जाता है।